आज मैं बैटिंग के उस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बिना बैटिंग पॉसिबल ही नहीं है, जिसके बिना बैटिंग आप कर ही नहीं सकते, जिसके बिना आप एक अच्छा बैट्समैन बन ही नहीं सकते। जी हाँ क्रिकेटर्स, वो टॉपिक है आपका फ्रंट फुट डिफेंस। वीडियो में मेरे साथ बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं फ्रंट फुट डिफेंस के लिए बात करूं तो सबका अपना अपना तरीका होता है फ्रंट फुट डिफेंस करने का। तो फ्रंट फुट डिफेंस करने के लिए कुछ टिप्स और टेक्निक का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लाइन और लेंथ जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी लाइन और लेंथ वाली बॉल पे फ्रंट फुट डिफेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइन के बारे में। जिस बॉल की लाइन स्टंप लाइन में होती है, जैसे मिडिल, ऑफ या ऑफ से थोड़ा बाहर, उस लाइन वाली बॉल पे फ्रंट फुट डिफेंस की जाती है। तो फ्रंट फुट डिफेंस के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फ्रंट फुट डिफेंस के लिए सबसे पहला आपका हेड स्टिल होना चाहिए, और जब भी आपका ये फ्रंट लेग बाहर जाना तो आपका हेड फ्रंट लेग के ऊपर रहे, तभी जाके आप फ्रंट फुट डिफेंस कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसे ही आप हेड को सामने की तरफ ले जाएंगे ना, तो ये आपका फ्रंट लेग ऑटोमेटिक सामने की तरफ चला है। तो ये तरीका होता है, अगर आप इधर हेड लेके चले गए तो आपका इधर चला जाएगा, तो वो आप डिफेंस नहीं कर पाएंगे। तो हेड आपकी बॉल की लाइन में होनी चाहिए। हेड अगर आपकी बॉल की लाइन में होगी तो ऑटोमेटिक ये पैर जो है ना, ऑटोमेटिकली ये बॉल की तरफ चला जाएगा। आप जब भी डिफेंस करने को देखते हैं ना, बॉल के बिसाइड आपका फ्रंट लेग होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप बॉल को अच्छी तरीके से देख पाएंगे। और हेड और बैट बॉल की लाइन में होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं, मैं अभी करके दिखा रहा हूं, ये हेड आप रिएक्ट किए, ये बॉल के बिसाइड गया और बैट आपका सामने आ गया। आप देख सकते हैं ये हेड और बैट एक लाइन में है, और जो ये फ्रंट लेग है वो बॉल के बिसाइड है। तो इस तरह से आप फ्रंट फुट डिफेंस कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट के बारे में और ध्यान देना जरूरी है कि आप जब फ्रंट फुट डिफेंस जब कर रहे हैं ना, तो आपका पैर इस तरह से होना बहुत जरूरी है, टो के ऊपर, ताकि ये पूरी तरह से आपका बैलेंस रहे जमीन पे। ये आपको ये जो ये इस तरह से अगर रहता है पैर आपका, तो ये पैर आपका ड्रैग नहीं करेगा। अगर आप इस तरह से पैर को कर देते हैं तो ये उठ जाएगी, ये ड्रैग भी करेगा, डिसबैलेंस भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप डिफेंस करने को देखते हैं तो आप यहाँ पे जितना देर तक स्टेबल रह सकते हैं, जितना देर आपको समय दे सकते हैं इस तरह इस पोजीशन में, जितना देर तक स्टेबल रह सकते हैं वो आपके लिए फायदा होगा। आप अच्छी तरीके से डिफेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है आपका लेंथ, कौन सी लेंथ वाली बॉल पे आप फ्रंट फुट डिफेंस खेल सकते हैं, फ्रंट फुट डिफेंस कर सकते हैं। बेसिकली फ्रंट फुट डिफेंस के लिए गुड लेंथ की बॉल को ही चूज करना पड़ता है, गुड लेंथ वाली बॉल पे ही फ्रंट फुट डिफेंस की जाती है। तो फ्रंट फुट डिफेंस करते टाइम पे आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्रंट फुट डिफेंस करते हैं ना, तो बैट और पैड के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जब भी आप डिफेंस करते हैं उस बॉल को, लेंथ वाली बॉल पे, तो आपका पैर जाए और बैट बिल्कुल यहाँ पे सामने होनी चाहिए, तब जाकर। अगर इस तरह से आप बॉल के ऊपर नहीं आएंगे ना, तो बॉल आपके बैट पे नहीं आएगी। और जितना अच्छा आप डिफेंस कर पाएंगे, जितना क्लोज बॉल आपके बैट से लगने के बाद जितना क्लोज गिरेगा ना, उतना आपके लिए फायदा होगा। और जब भी आप डिफेंस करते हैं तो आपका हेड जो है ये फ्रंट लेग के बाहर होना चाहिए। अभी मैं साइड करके आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं मेरा हेड जो है ये फ्रंट लेग के बाहर में है। और यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना जरूरी है, आप डिफेंस जब भी कर लेते हैं ना, तो आपका हेड तो स्टिल रहता ही है, तो आप इस तरह सामने आते भी हैं तो ये यहाँ पे नाइन बन रहा है। आप देखिए, आप यहाँ पे एक नाइन बन रहा है, ये नाइन बनना बहुत जरूरी है। अगर आप नाइन बना पा रहे हैं फ्रंट फुट डिफेंस में, इसका मतलब है कि आप सॉलिड डिफेंस कर सकते हैं, सॉलिड डिफेंस आप कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ फ्रंट फुट डिफेंस के लिए कौन सा ड्रिल आप कर सकते हैं जिससे आपकी फ्रंट फुट डिफेंस इंप्रूव हो, फ्रंट फुट डिफेंस आप सीख पाए।
तो फ्रंट फुट के लिए सबसे फर्स्ट ड्रिल है आपका टी कोड। आप इस तरह से मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप के लाइन पे टी कोड लगा दें और इस बॉल को डिफेंस करने को देखें। सामने की तरफ आपका हेड हो, आपका फ्रंट लेग बॉल के बिसाइड हो और बॉल की लाइन में हेड और बैट एक साथ हो। इस तरह से हेड हमेशा ये फ्रंट लेग के बाहर हो और आपका टोटल वेट जो है वो फ्रंट फुट पे ही हो, सामने की तरफ ही हो। मैं एक बार में तीनों करके दिखाऊंगा।